हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल प्लांट ऑन टेरेस में स्वागत है। आज देखिए, अभी मॉनसून चल रहा है। मैं वो प्लांट भी आपको दिखा देती हूँ। इस प्लांट में मेरे देखिए फिर से इसमें इस बार चार कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ। देखिए, एक ये है, ये तो मेन प्लांट मेरा वाइट कलर का हिबिस्कस का है ही। इसमें देखिए, ये अलग कलर का है और ये वाला अलग कलर का है। थोड़ा अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा ये स्पेंड होने लगा है। ये देखिए, इस प्लांट पे फिर से मेरे चार फ्लावर खिले हुए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें मेरे पांच प्रकार के फ्लावर खिलते हैं और ये एक पिंक कलर का है जिसमें भी खिला हुआ नहीं है। ये भी एक हाइब्रिड हिबिस्कस है। देखिए, नाग चंपा की, ये देखिए, ये फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। ये भी मेरा एक हिबिस्कस का कलर है जो हाइब्रिड हिबिस्कस है। ये देखिए, ये भी एक हिबिस्कस प्लांट है। इसमें बड़े साइज का फ्लावर खिलता है। ये हाइब्रिड हिबिस्कस है। इसमें ऑरेंज कलर का बड़े साइज वाला फ्लावर खिलता है। और ये देखिए, इसका कलर बहुत ही प्यारा है। इसकी लीफ हिबिस्कस प्लांट जैसी तो नहीं है, लेकिन फ्लावर इसका हिबिस्कस के जैसा ही है। और ये डार्क पिंक कलर का है। इसका भी साइज बहुत बड़ा है। देख, और इधर मैंने अपनी बहुत सारी हिबिस्कस की कटिंग लगाई हुई है। ये बड़े साइज वाला पिंक कलर का हिबिस्कस है। ये भी वही उसी टाइप का प्लांट है। देखिए, और मैं यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ कटिंग लगाई हुई है ये वाइट मल्टीपेटल हिबिस्कस का प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग लगाई हुई है। ये भी एक मैंने कटिंग लगाई हुई हिबिस्कस की। ये ऑरेंज कलर का हिबिस्कस का मल्टीपेटल वाला प्लांट है। इसे मैंने एयर लेयरिंग की तरह उगाया था। इसके बाद मैंने इसमें ट्रांसप्लांट किया है इसे। और ये रेड कलर का मल्टीपेटल हिबिस्कस का प्लांट है जिसे मैंने इस ग्रोइंग बैग में लगाया है। इसे भी मैंने एयर लेयरिंग के द्वारा ही अपने प्लांट में से उगाया है। आप देख रहे हैं। और ये देखिए, मैंने मोर पंखी का जो कटिंग जिसकी लगाई थी वो भी अच्छे से ग्रो हो रही है। देखिए, साथ ही मैं ये भी दिखा देती थी कि मैंने एक लेमन प्लांट की, जिसके कागजी नींबू कहा जाता है, उसकी भी कटिंग लगाई थी। इसमें ये नए दो ब्रांचेस निकले हैं, नए लीव्स निकली हैं। देखिए, और ये फाइकस की भी कटिंग लगाई थी मैंने, वो भी अच्छे से ग्रो हो रही है। इसे मैंने मिट्टी में ही ग्रो किया है। इसकी कटिंग मैंने मिट्टी में ही लगाई थी। आप देख रहे हैं, ये एक कटिंग है। ये भी मैंने एयर लेयरिंग के द्वारा ही इसकी कटिंग लगाई थी। ये भी ऑरेंज कलर का मल्टीपेटल हिबिस्कस है। इस वीडियो में मैं आपको अपने हिबिस्कस प्लांट के बारे में बताऊंगी कि मैंने कितने सारे हिबिस्कस प्लांट लगाए हैं। मेरे गार्डन में ज़्यादातर हिबिस्कस प्लांट ही हैं और उसकी वैरायटी भी है। हिबिस्कस वन ऑफ द मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट है जो मुझे पसंद है, और इसलिए भी क्योंकि मैंने इस पर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, चाहे वो ग्राफ्टिंग हो चाहे एयर लेयरिंग हो, ये सभी सक्सेस हुए हैं। 99% सक्सेस हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये मेरा ऑरेंज कलर का मल्टीपेटल हिबिस्कस है। इसमें मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास
इतने सारे कलेक्शन हैं हिबिस्कस प्लांट के। देखिए ये है एक हाइब्रिड हिबिस्कस पिंक कलर का सिंगल पेटल वाला, इसमें फिर से कलियां बन रही हैं और ये फिर से फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। ये भी एक तरह का हिबिस्कस प्लांट ही है, हिबिस्कस फ्लावर जैसा ही खिलता है इसमें। आप देख रहे हैं कि ये इसका फ्लावर देखिए, ये भी मल्टी पेटल वाला हिबिस्कस प्लांट है, ये वाइट कलर में है। ये हाइब्रिड हिबिस्कस येलो कलर में है। ये पिंक कलर का हाइब्रिड हिबिस्कस है, ये भी एक देसी वैरायटी है हिबिस्कस की। लाइट पिंक है इसका कलर। आज इसमें दो कलर के, इस प्लांट में दो कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। ये भी एक हिबिस्कस की वैरायटी है, ये छोटे साइज में इसके वाइट कलर के फ्लावर खिलते हैं। ये है मल्टी पेटल येलो कलर का हिबिस्कस, ये भी छोटा है। ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस है, देख रहे हैं इसमें क्रीम कलर का है। फ्लावर खिलता है इस पर, देख सकते हैं आप। मैंने एयर लेयरिंग भी की है नया प्लांट बनाने के लिए। ये एक सिंगल पेटल वाला ऑरेंज हिबिस्कस है, इस पर भी मैंने एयर लेयरिंग की है इसकी न्यू प्लांट बनाने के लिए। ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस है जो एकदम रेड कलर में है। ये पिंक कलर का ही हिबिस्कस प्लांट है, देसी प्लांट हिबिस्कस का, इस पे मैंने एक ग्राफ्टिंग की हुई है ये वाला। इसमें ये अभी कलियां बन रही है, छोटी छोटी हैं। ये अलग कलर की ग्राफ्टिंग की है मैंने इस प्लांट पे। इस प्लांट को भी मैंने एयर लेयरिंग के द्वारा ही तैयार किया है, जो मेरे पास देसी वैरायटी पिंक कलर की है उसी से। ये भी एक देसी वैरायटी है हिबिस्कस की, जो छोटे साइज में फ्लावर इसका खिलता है। और एक ये है पिंक वैरायटी। ये तो आपने देखा ही है, मैंने इसमें बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है और ये अच्छे से ग्रो हो रही है। इस प्लांट पे मैंने ग्राफ्टिंग भी की थी, देखिए कितने अच्छे से इसमें न्यू लीव्स निकल रही हैं। इस पर और मैंने भी दो ग्राफ्टिंग की है। ये पिच कलर का देसी हिबिस्कस का प्लांट है। ये भी एक सिंगल पेटल वाला देसी हिबिस्कस है। ये प्लांट मेरा 10-12 साल से ऊपर का ही हो चुका है ये सारे प्लांट। ये एक वाइट हिबिस्कस प्लांट है, इसे ही मैंने एयर लेयरिंग के द्वारा
तैयार किया है। ये भी एक हिबिस्कस का प्लांट है जो मल्टी पेटल रेड कलर में है। ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, आप देख रहे हैं। और मैंने यहाँ से एक यहाँ पे एक मैंने एयर लेयरिंग की थी न्यू प्लांट के लिए, तो मैंने यहाँ से कट करके इसे न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर लिया है। और यहीं से कट करने के बाद दो ब्रांचेस निकले हैं। एक ये और एक ये है। ये एक देसी हिबिस्कस का प्लांट है। ये भी मल्टी पेटल में ही है। ये थोड़ा लाइट पिंक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा हिबिस्कस का कलेक्शन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।